जब तुम ये मानोगे जुड़ोगे तो जानोगे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल, नो द स्पोर्ट्स में हूँ श्याम दी। तो आज फिर मैं कंपेटिटिव स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज की पहली न्यूज की बात कर लीजिए जो कि एफएस बाबा की तरफ से निकल के आती है। तो दोस्तों एफएस बाबा ने अपना इंस्टाग्राम नेम चेंज कर लिया, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने एफएस बाबा की जगह उन्होंने बाबा ओपी नाम रख लिया अपना। तो अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज हमारे पास निकल के आती है, अगली न्यूज मोस्ट डाउनलोडेड एप्स से रिलेटेड है। तो सबसे ज्यादा जो सी गेमें डाउनलोड हुई हैं उनकी भी आप देख सकते हैं टॉप फाइव में कौन कौन सी गेमें हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे फ्री फायर, दूसरे नंबर पे अमांगस, तीसरे पे सबवे सर्फर एंड फोर्थ पे अपनी पबजी और फिफ्थ नंबर पे हंटर असैसिन। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ में निकल के आई है, तो दोस्तों अगली न्यूज़ एफ आर वुल्वरी की तरफ से निकल के आती है। तो एफ आर वुल्वरी का अकाउंट रिकवर हो गया है, तो अब वो पीएमपीसी जो कि 4 जनवरी को शुरू होगा उसमें भी खेलेंगे। तो दोस्तों अगली न्यूज़ की बात कर लीजिए जो कि एफएस ब्लेड की तरफ से निकल के आती है। तो एफएस ब्लेड ने नया लाइनअप बना लिया है ऑप्स ब्लेड के नाम से। तो उनके कल मैचेस जो से हुए उसमें भी उन्होंने बैक टू बैक चिकन डिनर्स निकाले और नंबर वन पे वो रहे। तो लेकिन वो स्टिल फ्री स्टाइल के लिए कॉन्टेंट एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर काम करेंगे। तो दोस्तों अगली न्यूज़ की बात कर लीजिए जो कि मोस्ट वॉच्ड टूर्नामेंट से रिलेटेड है। तो 2020 के मोस्ट वॉच्ड टूर्नामेंट्स में पहले 4 लीग ऑफ लेजेंड्स की तरफ से है और 5वां टूर्नामेंट पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग ईस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा देखा गया 2020 में। तो दोस्तों अगली न्यूज़ की बात कर लीजिए जो कि 247 वासिफ की तरफ से निकल के आती है। तो उनके अकाउंट को भी 10 साल के लिए बैन कर दिया गया है रेगुलेशंस की वायोलेशन पर। तो दोस्तों अगली न्यूज़ की बात कर लीजिए जो कि पीएमसीओ से रिलेटेड है। तो पीएमसीओ की कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रही है जो कि 24 जनवरी तक रहेगी। तो जिसने अपनी टीम रजिस्टर करानी हो तो वो करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगली न्यूज़ एफ4 ईस्पोर्ट्स की तरफ से निकल के आती है। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये शेयर करते हुए कहा, हे ब्यूटीफुल पीपल, हियर इज एक्साइटिंग अनाउंसमेंट फॉर यू, कि वो अपना नया लाइनअप बनाने जा रहे हैं। तो देखते हैं वो नया लाइनअप कैसा होता है, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अगली न्यूज़ की बात कर लीजिए जो कि एनोनिमस की तरफ से निकल के आते हैं। तो एनोनिमस ने अपनी इंस्टा स्टोरी पे ये शेयर करते हुए कहा कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि हैप्पी न्यू ईयर कहाँ मनाते हैं। तो उनका रिप्लाई करते हुए एनोनिमस ने कहा कि भाई कहीं नहीं जाता, अबू कहते हैं कि जिंदगी का एक साल कम हो गया, बस वही बात दिल को लगी हुई है, नहीं मनाते न्यू ईयर, ये आंसर है पब्लिक। दोस्तों इसी के साथ अगली न्यूज़ की बात कर ली जाए तो वो रहील प्लेस की तरफ से निकल के आते हैं। तो रहील प्लेस ने अपने इंस्टा स्टोरी पे ये शेयर करते हुए कहा कि दोस्तों सॉरी, आज के बाद वो स्ट्रीम नहीं करेंगे क्योंकि वो वीडियो अपलोड करेंगे। कहते हैं कि अगर वो करते हैं तो जो लोग देखने आते हैं वो सिर्फ यूसी के गिव अवे के लिए आते हैं, वैसे अगर करूँ तो कोई बंदा नहीं आता लाइव स्ट्रीम पर। तो आइंदा के बाद वो लाइव स्ट्रीम नहीं करने लगे, तो आइंदा से वो वीडियोज ही अपलोड करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में तो पबजी बैन है, तो इसी के चलते चलते उनकी एक चेन्नई बेस्ड डेवलपर्स कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया कि वो पबजी की एक मुतबादल गेम बनाने लगे हैं। तो उसका आप ट्रेलर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अगली न्यूज़ की बात कर ली जाए जो कि डक्की बाई की तरफ से निकल के आती है। तो डक्की बाई ने आसिम अज़र के साथ अपनी एक स्ट्रीम की थी जिसमें उन्होंने ये भी रिवील किया था कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बताऊँ मेरा ख्याल से मेरा बहुत पहले का पॉजिटिव है, जो मैंने ट्वीट की थी ना कि 102 फीवर बट कोविड नेगेटिव, वो पैच फॉल्स नेगेटिव था मेरे ख्याल से। अबे घूम फिरे ना, शूटिंग पे भी गए थे उधर, पबजी की शूटिंग भी थी, किसी ने कोई मास्क वास्क को बहुत कम था, इसलिए मैंने आसपास के जितने लोग थे ना मैंने सबको बताया कि भाई मेरा पॉजिटिव है। तो तुम लोग भाई लोग अगली न्यूज़ की बात कर ली जाए जो कि 247 रीपर की तरफ से निकल के आते हैं। तो उन्होंने एक और एफएस बाबा की चैट रिवील किया है जिसमें एफएस बाबा हैकिंग से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो वो भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आप भर देखो, कोई नहीं वो कर लेंगे, फिर मसला नहीं है। तो क्या है जो भाई, मेन आईडी पे हैक लगाना है। तो भाई लोग इसी के साथ अगली न्यूज़ की बात कर ली जाए तो जो कि एफएस ब्लैक की तरफ से निकल के आती है। तो एफएस ब्लैक की जो पॉडकास्ट होनी थी वो अपलोड होगी है मैक्स ऑफिशियल के चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो भाई लोग
पबजी की दुनिया से बाहर आके बात कर ली जाए तो फ्री फायर करा रही है पाकिस्तान में अपना एक ऑफिशियल टूर्नामेंट, प्रो लीग ऑफ फ्री फायर पाकिस्तान कमिंग सून। तो देखते हैं ये कब होती है लीग, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी इससे रिलेटेड तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई लोग आज के लिए इतनी न्यूज़ थी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार बहुत दुख होता है 78% ने सब्सक्राइब ही नहीं किया, भाई लोग आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो क्योंकि इस तरह की ई स्पोर्ट्स न्यूज़ तो आपको डेली मिलती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। क्या हो गया सुबह मेरी नींद खुली, सामने देखा एक गहरा समंदर, मैंने सोचा चल चले देखे सही क्या समंदर के अंदर।